स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एस आर्बिटल की आकृति पढ़ी थी जो कि गोलीय होती है। अब इस वीडियो में हम पी व डी आर्बिटलों की आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि पी जो आर्बिटल होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, जबकि डी आर्बिटल पांच प्रकार की होती हैं। तो पी आर्बिटल की आकृति अगर हम देखें तो ये डम्बल शेप के होते हैं, यानी कुछ इस शेप के होंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो पालियां या दो लोब्स होते हैं, यानी पी आर्बिटल में नाभिक के चारों ओर, बीच में नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इस प्रकार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है, और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घटती है और अंत में शून्य हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम इनकी प्रकृति देखें तो हमने देखा था कि जो एस आर्बिटल होता है उसकी प्रकृति अदैशिक होती है, लेकिन पी और डी आर्बिटल जो होती हैं उनकी प्रकृति दैशिक होती है। तो दैशिक प्रकृति का अर्थ है कि अगर हम नाभिक से समान दूरी पे अलग अलग दिशाओं में देखते हैं, जैसे मान लीजिए नाभिक से इतनी दूरी पे हमने इस दिशा में देखा, फिर उतनी ही दूरी से हमने एक अलग दिशा में देखा, तो हम देखते हैं कि दोनों बिंदुओं पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अलग अलग है। यानी दिशा में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना में भी परिवर्तन हो रहा है। तो दिशा परिवर्तन से प्रभावित हो रही है, इसलिए हम इसको दैशिक प्रकृति कहते हैं। जबकि हमने एस आर्बिटल में देखा था कि गोलीय आकृति होने की वजह से हर तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सेम आ रही थी। अब आगे हम पी आर्बिटल के प्रकार देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पी उपकक्ष होता है उस उपकक्ष में तीन प्रकार के आर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब आगे हम इनकी आकृतियाँ और विन्यास देखते हैं तो हम पाते हैं कि तीनों पी आर्बिटल की जो आकृति होती है वो समान होती है, जबकि हम इनका अगर विन्यास देखें तो विन्यास इनका अलग अलग होता है। यानी हम देखते हैं कि तीनों आकृति में समान लेकिन विन्यास में भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर हम पी एक्स को देखें तो हम पाते हैं कि पी एक्स की जो पालियां होती हैं दोनों, ये दोनों ही एक्स अक्ष के समांतर होती हैं। वहीं पी वाई की जो पालियाँ होंगी वो वाई अक्ष के समांतर होती हैं, और जबकि पी जेड की पालियाँ जेड अक्ष के समांतर होंगी। तो अब हम इनकी संरचना बनाते हैं। तो संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स, वाई और जेड अक्ष बनाना होगा। तो मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब चूंकि जेड अक्ष जो होगा वो इन दोनों के लंबवत होता है, यानी कॉपी के तल में हम देखेंगे इस तरीके से लंबवत खड़ा होगा। तो चूंकि हम उसको इस तरह फिगर में 2D एक 2D प्लेन में नहीं बना सकते हैं, तो बस समझने के लिए हम उसे कुछ इस प्रकार से बना दे रहे हैं। तो ये प्लेन में नहीं है बल्कि इस कॉपी के तल पे खड़ी हुई एक लाइन है। तो यहाँ पे हमने एक्स, वाई और जेड अक्ष बना लिया है। अब यहाँ पे जब हम इसकी पालियाँ बनाएंगे पी एक्स की, तो ये एक्स अक्ष के समांतर होंगी, यानी हमें कुछ इस प्रकार से पी एक्स आर्बिटल प्राप्त हो जाएगा। अब हम पी वाई आर्बिटल बनाएंगे, तो अब हम इन पालियों को एक्स अक्ष पे ना बना के वाई अक्ष पर बनाएंगे, यानी हमें इस प्रकार पी वाई आर्बिटल प्राप्त हो जाएगा जिसकी पालियां वाई एच पे होंगी। और इसी प्रकार हमें कुछ पी जेड की संरचना भी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें हम देख रहे हैं कि पालियां जेड एच पे स्थित हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी आर्बिटलों की जो आकृतियां हैं वो समान हैं, सभी का शेप डम्बल है, लेकिन इनका अगर हम विन्यास देखें तो ये एक्स एच पे है, ये वाई एच पे और ये जेड एच पे विन्यासित है। अब आगे हम पी आर्बिटल में नोडल तल देखते हैं। तो पी आर्बिटल में हम जानते हैं कि बीच में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होगी। तो अगर हम यहाँ पे नाभिक से होके जाता हुआ एक तल लें और ये तल कुछ इस प्रकार हो कि ये कॉपी के तल पर इस प्रकार लंबवत हो, तो ये जो तल होगा या जो प्लेन होगा जिसे हम कुछ इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये जो है तल इस कॉपी के तल में नहीं है बल्कि तल के लंबवत है। तो हम देख रहे हैं कि इस तल पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इस तल को ही हम नोडल तल कहते हैं।
तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वह तल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे नोडल तल कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम पीएक्स, पीवाई या पीजेड कोई भी पी आर्बिटल लेते हैं, सब में नोडल तल की जो संख्या होगी वो एक ही होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी आर्बिटल में नोडल तल की संख्या बराबर एक होगी। आगे हम डी आर्बिटलों की आकृतियाँ देखते हैं। तो डी आर्बिटल पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें से चार की आकृति डबल डम्बेल होती है। तो यानी हमें कुछ इस प्रकार की संरचना मिलेगी। पी आर्बिटल में केवल एक डम्बेल था और इसमें दो डम्बेल हैं जो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो चूंकि एक डम्बेल में हमें दो पाली मिल रही थी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें टोटल चार पालियाँ या चार लोब्स प्राप्त होंगे। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है और जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घटती है। अब आगे अगर हम इनकी प्रकृति देखें तो पी आर्बिटल की तरह ये भी दैशिक प्रकृति के होते हैं। यानी आर्बिटल में अगर हम नाभिक से समान दूरी पे अलग अलग दिशा में देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी वो अलग अलग होगी। अब आगे अगर हम इनके प्रकार देखें तो हम पाते हैं कि डी कक्ष में पांच आर्बिटल होते हैं। पांच प्रकार के आर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि ये शुरू के जो चार डी आर्बिटल हैं इनकी आकृति चार पालियों वाली यानी कुछ इस प्रकार की होती है, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर आर्बिटल है इसकी आकृति इनसे अलग होती है, इसमें केवल दो पालियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे हम शुरू के तीन डी आर्बिटलों को बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो तीन आर्बिटल हैं इन आर्बिटलों की जो पालियाँ होंगी, जो चारों पालियाँ होंगी, ये अक्षों के बीच में स्थित होती हैं। यानी ये किसी अक्ष पे यानी एक्स वाई जेड पे नहीं होंगी बल्कि इनके बीच में स्थित होंगी। हम यहाँ पे डी एक्स वाई आर्बिटल बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस आर्बिटल में जो पालियाँ होंगी वो एक्स वाई तल पे, एक्स वाई है तो एक्स वाई तल पे स्थित होंगी और ये अक्षों के बीच होंगी। तो एक्स वाई तल जो होता है ये एक्स और वाई अक्ष को मिलाने वाला तल होता है। तो हमने यहाँ पे एक्स और वाई दो अक्ष बना लिए हैं और इसको जो मिलाने वाला तल है ये वही तल है जो कॉपी का तल है, मतलब कि कॉपी का जो प्लेन है वो प्लेन ही क्या हो जाएगा, एक्स वाई तल हो जाएगा। तो अब इसी तल में, कॉपी के तल में हमें चार पालियाँ बनानी हैं और ये चारों पालियाँ हमें अक्षों के बीच में यानी इसके बीच में बनानी है। यानी हमें इस प्रकार की संरचना प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जेड अक्ष होगा वो इस कॉपी के तल के लंबवत होगा। तो जेड अक्ष को हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए कॉपी के तल के लंबवत तो हम नहीं बना सकते, इस तरीके से बना लेते हैं। ये ऊपर की ओर जाएगी लाइन और नीचे की ओर ये लाइन जाएगी, इस बिंदु से ऊपर की ओर, इसी बिंदु से नीचे की ओर जेड अक्ष स्थित होगा। तो इस प्रकार हमें डी एक्स वाई आर्बिटल प्राप्त हो गया है। अब हम यहाँ पे डी वाई जेड आर्बिटल बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि इसका जो पालियाँ होंगी वो वाई जेड तल में स्थित होंगी। तो यहाँ पे अब हम एक्स वाई तल ना बना के वाई जेड तल बनाएंगे। यानी ये वाई एच और ये जेड एच, तो ये जो तल होगा अब ये वाई जेड तल हो गया। अब यहाँ पर हम चार पालियाँ बना लेते हैं और जो तीसरा अक्ष एक्स होगा वो इन दोनों के लंबवत यानी इस पेज पे, इस पॉइंट पे लंबवत खड़ा हुआ प्राप्त होगा। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं संकेत के लिए। ये ऊपर की ओर जा रही है लाइन और ये लाइन जो होगी एक नीचे की ओर जाएगी, जिसको हम यहाँ से दिखा देते हैं। तो ये डी वाई जेड आर्बिटल हो जाएगा जिसकी पालियाँ वाई जेड तल पे हैं अक्षों के बीच। अब इसी प्रकार हम डी जेड एक्स आर्बिटल बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे हम जेड और एक्स अक्ष बना लेंगे। तो इस प्रकार जेड एक्स तल प्राप्त होगा। अब इस जेड एक्स तल में हम अक्षों के बीच पालियाँ बना लेते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो तीसरा अक्ष होगा यानी जो वाई होगा इन दोनों के लंबवत यानी इस कॉपी के तल पे लंबवत खड़ा होगा, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हमारा डी जेड एक्स आर्बिटल हो जाएगा जिसमें हम देख रहे हैं कि पालियाँ जो हैं जेड एक्स तल पे स्थित हैं और अक्षों के बीच स्थित हैं।
तो अभी हमने जो ऑर्बिटल देखे तीन, उसमें हमने देखा कि जो पालियाँ थी वो अच्छों के बीच थी, लेकिन ये तो जो ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, डैश है ये। तो यहाँ पे हम देखने की जो पालियाँ हैं वो अच्छों पर स्थित होती हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो एक्स वाई तल में स्थित होता है, और जिसकी पालियाँ होंगी वो एक्स और वाई एच पे स्थित होंगी। तो इसके लिए हमने एक्स वाई तल बनाने के लिए एक्स और वाई एच को कॉपी के प्लेन में बना लिया है। तो ये हमारा जो प्लेन होगा कॉपी का, अब वो एक्स वाई तल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने चार पालियाँ बनाई हैं, और ये चारों पालियाँ हम देख रहे हैं कि अक्ष पे एक्स वाई अक्ष पर स्थित हैं। तो इस प्रकार डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की संरचना होती है। अब हम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि केवल दो पालियाँ होती हैं। इन चारों में चार चार पालियाँ थी अभी तक जितने ऑर्बिटल देखे, लेकिन इसमें केवल दो पालियाँ हैं, और जो इसकी पाली होती है ये जेड अक्ष पे स्थित होती है। तो यहाँ पे हम इनमें से किसी एक को जेड अक्ष मान लेते हैं, मान लीजिए ये जेड है, इसको एक्स मान लेते हैं, और जो वाई होगा इसके लंबवत इस तरीके से होगा, तो उसको हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक ही पाली है और उसको हमें जेड अक्ष पे बनाना है। तो इस प्रकार संरचना मिलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वलय भी होता है, और ये वलय इसके चारों ओर पाया जाता है, नाभिक के पास चारों ओर, बीच में नाभिक है, नाभिक के पास चारों ओर पाया जाता है। तो दो पालियाँ और एक वलय डिजिट स्क्वायर ऑर्बिटल में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटलों की आकृतियाँ देखी हैं। इसकी थ्योरी को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और जो फिगर हैं उन सभी फिगर को भी अपने कॉपी में बनाइएगा।